बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मस्जिद बहनों और भाइयों, सवाल जवाब पर मुश्तमिल कौन बना जन्नती का एक तवील सिलसिला आपके सामने चल रहा है। नए सवालात लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हो। आज का पहला सवाल है, कुरान पाक में मछली वाले किस पैगंबर को कहा जाता है? अल्लाह ताला ने मछली वाले के नाम से किस पैगंबर को मुखातिब किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, बी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, सी हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम और डी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। आपका दुरुस्त जवाब है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। अगला सवाल आपके लिए ये रहा, कुरान मजीद में किस आयत को आयतों का सरदार कहा जाता है? ए आयतुल कुर्सी, बी आयत करीमा, सी आयत रहीमा और डी इनमें से कोई नहीं। आपका दुरुस्त और मुकम्मल जवाब है आयतुल कुर्सी को आयतों की सरदार कहा जाता है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, कुरान पाक में कौन सी सूरत का नाम एक शहर पर रखा है? यह सवाल को ये समझ लिया, कुरान पाक में कौन सी सूरत एक शहर के नाम से है? ऑप्शन ए सूरह असर, ऑप्शन बी सूरह रोम, ऑप्शन सी सूरह रहमान और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। का दुरुस्त जवाब है सूरह रोम। अगला सवाल, कुरान मजीद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम लफ्ज कितनी बार आया है? ऑप्शन ए 3 बार, ऑप्शन बी 4 बार, ऑप्शन सी 5 बार और ऑप्शन डी 9 बार। आपका दुरुस्त जवाब है 4 बार लफ्ज मोहम्मद कुरान मजीद में आया है। अगला सवाल आपके लिए यह रहा, कुरान मजीद किस फरिश्ते के जरिए आका सलातो सलाम पर नाजिल होता रहा? ऑप्शन ए हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका दुरुस्त जवाब है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। मौजूद बहनों और भाइयों, ये वीडियो अब यहीं अपने अख्तिताम पर पहुंचती है। इल्म दीन सीखते रहिए, इल्म दीन सिखाते रहिए और इल्म दीन घर घर पहुंचाते रहिए। अल्लाह ताला तमाम आलम इस्लाम को अपने हिफ्ज़ अमान रखे और आपकी जायज़ मकासिद और तमन्नाओं को पूरी फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।